पवनदीप राजन और अनिता कांजलाल हाल ही में इंडियन आइडल 14 के मंच पर नजर आए। दोनों ने अपनी सिंगिंग से एक बार फिर सबके दिलों पे छाप छोड़ दी। पवनदीप और अनिता ने बहुत ही शानदार गायकी का नजराना पेश किया। दोनों के सिंगिंग को सबों ने खूब एंजॉय किया, साथ ही शो के जजेस और व्यूअर ने उन पर खूब प्यार लुटाया। पवनदीप ने मंच पर कई सॉन्ग गाए, साथ ही उन्होंने अपने पुराने याद भी ताजा किए। अपने सिंगिंग से जादू चलाने वाले अरुदीप की लव स्टोरी भी इंडियन आइडल के सेट पर देखने को मिली। दोनों ने खूब मस्ती भी की। वहीं इस एपिसोड के बाद पवनदीप राजन खूब चर्चा में है। उनके फैंस कह रहे हैं कि पवनदीप राजन को नई पार्टनर मिल गई है। दरअसल इंडियन आइडल 14 में पवनदीप राजन ने अनन्या के साथ डुएट दिया था। पवनदीप के साथ अनन्या ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था। मंच पर दोनों ने फिल्म मिस्टर नटवरलाल का सॉन्ग परदेसिया ये सच है पिया गाया। दोनों के सिंगिंग पर सभी झूम उठते हैं। जजेस दोनों की सिंगिंग पर खूब वाह वाह करते दिखे। जज श्रेया घोषाल कहती हैं कि पवनदीप की आवाज इतनी रूहानी है कि क्या ही बोलू। पवनदीप के साथ अनन्या की आवाज बहुत जच रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। पवनदीप की तारीफ में जितना बोलो कम है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। वहीं सानुदा भी पवनू की खूब तारीफ करते हैं। मंच पर पवनदीप राजन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। मैं आज जो भी हूँ इंडियन आइडल की वजह से ही हूँ। ये गुरुकुल है, जो चीज आप घर पर नहीं सीख सकते वो चीज आप यहाँ सीख सकते हैं। इसके अलावा पवनदीप ने ओबोम के साथ भी डुएट दिया। पवनदीप फिल्म खामोशिया का सॉन्ग कोई तेरे खातिर है जी रहा गाते हैं। पवनदीप ये सॉन्ग अरुणिता को देखते हुए गा रहे थे और अरुणिता शर्मा गई थी, जिसे सबने नोटिस किया। इस बात को लेकर शबो ने अरुणिता को टीज भी किया। इतना ही नहीं, अरुणिता की परफॉर्मेंस पर कुमार सानू पवनदीप को छेड़ते भी नजर आए। वो पवनदीप से पूछते हैं, बताओ अरुणिता का परफॉर्मेंस कैसा लगा तुमको? जिस पर पवनदीप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बहुत कमाल गाया। ये सब सुनकर अरुणिता शर्म से लाल हो जाती है। वहीं अब पवनदीप के फैंस कह रहे हैं कि पवनदीप की जोड़ी अनन्या के साथ भी कमाल की लगती है। दोनों की डुएट बहुत ही शानदार लगी। मगर कुछ फैंस का कहना है कि पवनदीप जब अरुणिता के साथ डुएट देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। वैसे आपको पवनदीप की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहे मियो वुल्फ को।